महापुराण में लिखा, भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, उसके पहले देवताओं ने जब यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था वो अश्व को कहां भेजा जाए, ये अश्व के चक्कर में फिर लड़ाई होगी। भगवान वशिष्ठ बाबा ने कहा, इस अश्व को कपूर का रूप देता हूं और कपूर के रूप में अग्नि में इसको समाहित कर देता हूं। भगवान राम ने वशिष्ठ बाबा से कहा, आप बताओ ये कपूर अग्नि में डालोगे इसका क्या फल होगा। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, आज मैंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कपूर बनाकर अग्नि में डाला है, इसलिए जिसके यहाँ आरती के बाद में कपूर जलाया जाएगा उसको एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल तुरंत मिल जाएगा।